जब बात आती है मुशायरी की, नहीं शायरी की, जब बात आती है शायरी की, लुत्फ अंदाज लतीफ जज्बों के इजहार की, तो एक ही नाम याद आता है, अहमद ज़रिया। मैं तो मर गई। मिस ताबिंदा ने तो मेरा कचूमर कर दिया है। कॉलेज में दाखला इसलिए लिया था कि घर से बाहर रह सकूं, अम्मी की बातें ना सुननी पड़े, मगर यहाँ यहाँ तो मिस ताबिंदा ने मेरा जूस निकाल दिया, वो भी गाजर का। देखो बहन, कंपेयरिंग करना आसान तो नहीं है, और मैडम ताबिंदा ने पूरी क्लास में सिर्फ तुम्हें ही चूज किया है, वरना मेरी अम्मी की भी ख्वाहिश थी कि मैं भी कंपेयरिंग करूं। हाँ वैसे वही तो बात होगी, मुझे जो उन्होंने सबको छोड़ के मुझे सिलेक्ट किया। वैसे मम्मी कह रही थी कि तुम कोई मुशायरे वुशायरे पे नहीं गई हो, ऐसी बस कहानियां सुना रही हो तुम। ऐसी बातें मम्मी मम्मी को नहीं बताते हैं, उनको समझ में नहीं आती, पागल हो क्या? तुम सच बोल रही थी? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? नहीं। अच्छा तो ये देखो, देखो पढ़ो मैसेज। कि वही है। एक सेकेंड। यकीन नहीं है ना, ये वॉइस नोट सुन, ये लो। जी जरूर, आप मिले हमसे, आपके कॉलेज के गेट पे आपको हम पिक कर लेंगे। भाई जैसे शायरी सिखा रहे हैं, कंपेयरिंग भी सिखा देंगे। ये वही है। हाँ तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैंने परवेज का नंबर जो है वो अहमद जरिया आपके नाम से सेव किया हुआ है, डीपी लगा दिया और खुद को खुद ही मैसेज कर रही हूँ, पागल हूँ क्या मैं? तो फुसना तुम जाओगी उनके साथ? हाँ, बल्कि ऐसा करते हैं कि जब मैं जा रही हूँगी ना तो तुम दूर खड़े होके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। डन है। हाँ मैं ये याद करूँ।